तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका हवान फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज मैं जो गाना आपके सामने लेके आया हूं उसका नाम है पतरी कमर, बाई खिसाई लाल यादव, और उनका जो साथ दिए हैं वो है शिल्पी राज। मुझे ऐसा लगता है टीम टाइप का बट रहा है कि शिल्पी राज अभी 90% जो मतलब कि 90% तो नहीं कहते लेकिन अधिकतर गाना अभी खेसारी लाल के साथ बना रही है, और खेसारी लाल शिल्पी राज के साथ। वहीं पवन सिंह बना रहे हैं शिवानी सिंह के साथ, और शिवानी सिंह पवन सिंह के साथ। तो आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा खुश हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ सक्सेस कर रहे हैं, सब कोई अपने अपने मुकाम पे एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गाना एक नए चैनल से डाला गया है। ये नया चैनल है, म्यूजिक तो आपको पता ही है, खेसारी लाल के गाने में कौन देता है, आपको पता है कौन देता है? नहीं पता? अरे यार, आर्या शर्मा। हाँ, तो काफी ज्यादा अच्छा अभी इन दोनों का ग्रुपिंग चल रहा है, आर्या शर्मा और खेसारी लाल यादव का। तो ये गाना कैसा बना है, ये जो अखिलेश है वो कैसा गाना लिखे है, ये सब हमें पता चलेगा इस गाने को सुनने के बाद। तो ये गाना सुनेंगे कब? अभी सुनेंगे यार, अभी जस्ट सुनेंगे, अभी जस्ट सुनेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो करें काउंट डाउन, तो 1 2 3 गो। Yeah.
भाई काफी ज्यादा प्यारा गाना लिखा अखिलेश कश्यप ने। सच में यार, सच में मजाक से हटके, मतलब कि क्या गाना पिरोया यार, क्या गाना पिरोया, काफी ज्यादा प्यारा गाना। और भाई लेकिन एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि अभी कुछ सालों से, मतलब कुछ सालों से नहीं कर सकते हैं, कुछ महीनों से ये जो खेसारी लाल यादव का जितना भी गाना आ रहा है उसमें टोबैको का यूज ये ज्यादा कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हो कि नींबू खरबूजा भेल में देख लो, या फिर उसके बाद जो गाना है उसमें देख लो, या फिर इस गाने में खुद देख लो, टोबैको का यूज ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। सही है या फिर ये गलत, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि ये फिल्म है यार, यहाँ कुछ भी कर किया जा सकता है, तो गलत नहीं होता। ठीक है, अगर वो गलत यूज कर रहे हैं तो एक चीज लिख किया जा सकता था कि वो नीचे में मेंशन कर देते हैं कि इट इज इंजरियस टू हेल्थ, पर इसमें गाने में शायद उतना कोई नहीं देखता, पर कोई नहीं, नेगलेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, तब मैं उस पर रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाना तो वैसे काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा म्यूजिक दिया था आर्या शर्मा ने, और काफी ज्यादा प्यारा गाना गाया शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव। मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि इन दोनों का जोड़ी जो काफी प्यारा प्यारा गाना दे रही है, और काफी जल्दी जल्दी गाना आ रहा है यार, मतलब कि टाइम भी नहीं लग रहा गाना आ जा रहा, टाइम भी नहीं लग रहा गाना आ जा रहा, तो काफी अच्छा बात है। श्रोता गानों को मतलब कि मौका ही नहीं मिला किसी गाने को जज करने का, तो मतलब सुनो हाँ ये गाना ऐसा, अरे पहले ये सुनो हाँ ये गाना इस टाइप का था, अरे छोड़ो ना ये सब, पहले ये सुनो, ऐसा हो रहा है। मतलब गाने पे गाने आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मतलब कि 2024 में काफी ज्यादा गाना आ चुका है खेसारी लाल यादव का, और सारा गाना मैं जहां तक सुना हूँ अच्छा ही है, काफी अच्छा है। तो आपको गाना कैसा लगा ये आप कमेंट में करके बताओ। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर खराब लगा तो क्यों आपको ये गाना खराब लगा ये भी मुझे बताना। ठीक है, तो भाई मुझे आपकी प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जितना ज्यादा हो सके मुझे प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। आप मुझे प्यार दो कैसे, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर, और कुछ नहीं मांगना, सिर्फ और सिर्फ लाइक से सब्सक्राइब, और थोड़ा सा प्यार मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साथ देना यार। ठीक है, तो भाई आपको अगर किसी और भी गाने का रिएक्शन, रिव्यू या फिर ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में गाने का नाम और साथ में आर्टिस्ट का नाम ड्रॉप करना मत भूलना। अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई वादा नहीं है। ठीक है, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक है, वहां पे आ जाना और मुझे मैसेज कर देना, मैं वहां पे ढेर सारी बातें भी करूंगा और आपका गाना ही पूछ लूंगा। ठीक है, पर एक काम आप ऐड कर देना, आर्टिस्ट का नाम ड्रॉप करना मत भूलना है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे गाने हैं यार दुनिया में। ठीक है, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी फिर आपका गाना लाने में, तो आप आर्टिस्ट का नाम जरूर ड्रॉप करना। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, इसमें अगर आपको कहीं पे दिक्कत, कंटेंट खराब या फिर कुछ और भी, तो कमेंट करके बता देना, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको गलती दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि एक दिन से अगले दिन में जब हम मूव करते हैं तो मेरा वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज हो, मेरे वीडियो में जो इफेक्ट यूज़ किया गया उन सब का क्वालिटी इंक्रीज हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं आपको अच्छा अच्छा वीडियो दूँ, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दूँ। ठीक है, तो भाई आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, क्योंकि मैं तो आशा ही कर सकता हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके खुद ही बता दोगे। तो आज के लिए इतना ही, अब लेता हूँ आपसे विदा, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।